अंधेश्वर के लिए बड़ी खबर। अगर अंधेश्वर के विद्यालय में छात्र संख्या 100 पूर्ण है और फिर भी उनका नाम सरप्लस में आया है तो दे बीएसए को प्रत्यावेदन। अंधेश्वर तैनाती वाले विद्यालयों की छात्र संख्या अगर 100 से कम है तो पूर्ण करने के लिए करें मेहनत। बस्ती से गुड न्यूज़ आ रही है, निवीकरण हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेश्वर न्यूज़ जो है आपके संघर्ष का साथी। अंधेश्वर न्यूज़ नेशंस वाइज। दोस्तों एक रिक्वेस्ट शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। शुरू करते हैं आज की ये खास खबर। जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, समस्त बीएसए बीईओ एएओ एवं डीसी कृपया ध्यान दें, आप अवगत हैं कि अंशकालिक अंधेश्वर नवीनीकरण विद्यालयों के लिए अनुबंध नवीनीकरण के प्रथम चरण से अंधेश्वर द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में अंशकालिक अंधेश्वरों को कुछ दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है। उनके द्वारा बताया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के सक्रिय नहीं होने के कारण ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके कारण ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा में वृद्धि की जाती है। उक्त अनुरोध के क्रम में अंशकालिक अंधेश्वर ऑनलाइन आवेदन के प्रथम चरण की समय सीमा को निम्न संशोधित किया जाता है। नंबर एक, ऑनलाइन आवेदन 7 जून से 13 जून 2023 तक। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन का अग्रसारण 9 जून से 14 जून 2023 तक। इसके बाद बीएसए द्वारा अंधेश्वरों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन को फाइनल सबमिट किए जाना दिनांक 10 जून से 16 जून तक माना जाएगा। कृपया संशोधन समय सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कराने हेतु सुनिश्चित करें। आगे से राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा भवन उत्तर प्रदेश। अगला समाचार है साथियों, अगर आपके विद्यालय में छात्र संख्या 100 पूर्ण है और आपका नाम सरप्लस में आ गया तो आप अपने बीएसए को इसके लिए प्रत्यावेदन दे सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, आवेदन जरूर करें, अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना आपका ये प्रत्यावेदन माना नहीं जाएगा। तो इसलिए भले आप जाना चाहें या ना जाना चाहें, लेकिन आवेदन अवश्य करें। अगली बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विषय है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अंधेश्वरों के नवीनीकरण नवीन अनुबंध के संबंध में। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांग अंशकालिक अंधेश्वर ऑब्लिक नवीनीकरण ऑब्लिक 835 ऑब्लिक 2023-24 लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल 2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन दिनांक 6/6/2023 के उपरांत निम्नलिखित अंधेश्वरों का नवीनीकरण शैक्षिक सत्र 2023-24-31 मई 2024 तक हेतु किया जाता है। नवीनीकरण की उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अंधेश्वरों को निर्देश किया जाता है कि दिनांक 1 जुलाई 2023 को अपने से संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार निर्धारित अनुबंध प्रपत्र भरकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करें। अनुबंध पत्र जमा न करने पर संविदा स्वतः समाप्त समझी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही ये भी निर्देश किया जाता है कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 100 से कम है वहाँ छात्र संख्या पूर्ण करें। डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बस्ती। तो साथियों ये थी खास खबरें, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ अंधेश्वर न्यूज़ पर, देखते रहिए अंधेश्वर न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।